हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये हो रहे थे सुबह के 7:30, तो मैं आ गई थी छत पे। मेरा नहाना धोना हो गया है। ये है 15 जनवरी का वीडियो, कल का ब्लॉग है। तो कल हमारे यहाँ यूपी में खिचड़ी मनाया गया था। बहुत सारे जगह पे 14 तारीख को ही मनाया गया था, बट मेरे यहाँ 15 को मनाया गया था। तो ये सुबह मैंने नहा धो लिया था, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैंने आग जलाया यहाँ हाथ सेकने के लिए। और यहाँ दूध नहीं पकाना है क्योंकि बिल्ली यहाँ पे आती है, बहुत दिनों से परेशान कर रखा है। पूरा दूध पलट देती है, गिर जाता है, जलता हुआ दूध सब पलट देती है। इसलिए अब यहाँ पे दूध नहीं रखा जाता, गैस पे ही मैं पका देती हूँ। तो अभी मैं कपड़े डालने लगी हूँ। ढेर सारे कपड़े थे, इनके पापा के पैंट थे, फ्रांसी के पापा के पैंट थे, और मेरे कपड़े थे, बाबू लोग के कपड़े थे। तो वो सभी मैंने धो लिया सुबह सुबह। और कल के धुले हुए कपड़े हैं तो ये मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया है। उसको ओस पड़ेगा तो ऐसे ऊपर वाला ही भीजेगा, अंदर का तो गीला है ही, लेकिन इतना पूरा नहीं गीला होगा, इसलिए मैं छत पे ही ढक के रख देती हूँ। तो अभी ये सब मैं ले जाऊँगी दूसरे वाले छत पे डालने, क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही है, बस ऐसे रखा हुआ है। बस ठंडी में ज़्यादा कपड़े होते हैं, गर्मी में तो बहुत कम कपड़े रहते हैं, बच्चों को भी अपने भी। तो अभी मैं इस कपड़े को ले जाऊँगी दूसरी साइड। देखिए यहाँ पे ये है पाइप। ये जब मेरे यहाँ मिर्ची की खेती बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये जब उसका बीज डाला जाता है तो उसमें यूज होता है ये पाइप, इसलिए इन्होंने इसमें पेंट करवा के रखा है। और बहुत ही आराम से इसमें बीज डाल देते हैं और इससे ना झोपड़ी जैसा बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे पाइप्स रखे हुए हैं। और मैं सारे कपड़े यहाँ पे डाल लूँगी। और मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। आग जलाया है मैंने, जब तक कपड़े डाल रही हूँ आग भी जल जाएगा। फिर मैंने अपना हाथ पैर सेका, अच्छे से गर्म किया। और इधर मैंने बाल्टी में शीशा, कंघी, तेल जो भी करना है मुझे, मेकअप सेकअप सब लेकर आई थी। तो पहले मैं हाथ पैर एकदम अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी सर्दी जुखाम हुआ ही है, और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बाबू भी दूध पीता है, उसको भी सर्दी हो गई है। तो देखिए अभी मैं तैयार हो गई थी, तैयार होने के बाद तो मैं बहुत बेकार लग रही हूँ। और अभी लगा रही हूँ मैं नेल पेंट। नेल पेंट लगाने के बाद फिर मैं मुझे पहन कर जाऊँगी नीचे। अगर शाम को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आलता की वीडियो भी शूट करूँगी। तो देखिए बहुत सारे लोग करते हैं, बोलते हैं, कमेंट आता है, खास इस टाइम तो गौरव जी, गौरव हैं कोई, वही कमेंट किए थे कि प्लीज़ तलवे का वीडियो बनाइए। तो इसमें मैंने हाथ पैर सेक रही थी और नेल पेंट भी लगाया, तो मैंने थोड़ा सा तलवे की भी वीडियो शूट कर ली है। और इधर बज रहे हैं 11:30। प्रांसी को मैंने बिना नहलाए उसे तैयार कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, दोनों बच्चे बीमार हैं इसलिए नहलाती नहीं हूँ। और इधर प्रांसी के पापा हैं और चाचा हैं, बगल में रहते हैं ये चाचा, इनके अपने सगे चाचा नहीं हैं, पड़ोसी हैं। तो वहीं इसको पतंग उड़ाना सिखा रहे हैं। प्रांसी भी पतंग के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो इसके पापा ला दिए हैं, लेकिन इसे उड़ाने नहीं आता था। तो वहीं बाबू आए थे तो वहीं सिखा रहे हैं, इनको दे दिए हैं, उड़ा रही है जैसे तैसे, उड़ा लेती है, बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं उड़ा पाती, उड़ाती है। तो इधर मम्मी भी हैं छत पे धूप तप, पापा भी वहाँ पे लेटे हुए हैं छत पे, क्योंकि धूप है तो सब लोग छत पे आ जाते हैं, अगर धूप नहीं रहती तो सब लोग नीचे ही रहते हैं। और अब मैं माँ बेटी आती हूँ हाथ पैर सेकने के लिए। और ये प्रांशु है, इसे भी मैंने मालिश कर दी है, लेकिन ये खेल रहा है, कपड़े वपड़े नहीं पहन रहा है। तो देखिए ये भी पापा के साथ अपने खेल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन गिर जाता है। और ये है मेरे बगल में रहती है प्रांशु की बुआ, खरगोश। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही है। प्रांशु के पैर दबा रही हूँ, ये सोए हुए डबरू से ढक्कन खाली झाले झा। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का यही पे एंड करती हूँ। बोल लेने दे भाई, बोल लेने दे। मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक नहीं नहीं ये बेकार चीज।